मम्मी और मैं जा रहे घूमने। ये है शिमला मिर्च। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय सेल्फ मुस्कान बिष्ट। एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपके साथ एक न्यू ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आपके साथ संडे का ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। सुबह से रात तक का सारा रूटीन दिखाने वाली हूँ आपको और पहाड़ी लाइफस्टाइल सब कुछ। और आज ना यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, इसलिए मतलब सुबह से अभी तो थोड़ा हो गया शांत, बट रात से बहुत बारिश हो रही थी और इतना ठंडा हो रहा था कि मैंने स्वेटर पहन रखी है जून के महीने में। और मम्मी भी घर पे नहीं है क्योंकि नानी के घर कुछ काम था, मम्मी वहाँ जा रखी है, अभी दिन में आएंगी थोड़ी देर में। और अभी मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ और ब्लॉग को एंड तक देखिएगा। सो ब्रेकफास्ट टाइम तो पहले ही हो चुका था और मम्मी ब्रेकफास्ट बना के भी गई है, बट मैं ब्रेकफास्ट करती गई हूँ क्योंकि मुझे देहरादून से आदत है, वहाँ भी मैं ब्रेकफास्ट नहीं करती थी। तो अभी मैं पी रही हूँ ये मट्ठा, जिसको हमारे वहाँ पहाड़ी में मट्ठा बोलते हैं। वैसे ये लस्सी छाछ ये सब होता है और ये बहुत फ्रेश होती है और बहुत हेल्दी भी होती है। तो अभी मैं पी रही हूँ मट्ठा। तो अभी हो चुकी है दिन और लंच टाइम भी होने वाला है, तो आज का लंच मैं ही बना रही हूँ क्योंकि मम्मी तो घर पर है नहीं। तो मैं सोच रही थी कि कढ़ी चावल बनाओ, तो मैं आपको भी दिखाऊंगी कि कैसे बने हैं। और अब वेदर भी ठीक हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा, मतलब इतना भी नहीं, थोड़ा सा ठीक हो रहा है। तो मैंने भी स्वेटर को चेंज कर लिया और अब मैं आपको अपने कढ़ी चावल दिखाऊंगी कि कैसे बने हैं। और मुझे कुकिंग ना बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे आप लोग भी मेरे शॉर्ट्स देखते होंगे कि आपको भी लगता होगा कि मैं इतनी सारी कुकिंग की वो डालती रहती हूँ शॉर्ट्स। तो आई लव कुकिंग, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कुकिंग। और जो ये ककड़ी है ना, ये हमारे गार्डन की है, मैं आपको एक दिन गार्डन भी दिखाऊंगी। हमारे गार्डन में बहुत सारी सब्जियां होती हैं। तो हम लोगों ने लंच भी कर लिया है और अभी मैं बर्तन धो रही हूँ और शायद शाम को हम लोग कहीं घूमने जाए क्योंकि मम्मी का फ़ोन आया था कि अब तुम लोग तैयार रहना करके। पता नहीं ऊपर पर कहीं कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो मम्मी कहती है वहाँ से बहुत सुंदर व्यू आता है करके फ़ोटोज़ खींचो के। आई होप जाए करके, और अगर जाऊँगी तो आपको अच्छे से सब कुछ दिखा पाऊँगी। तो अभी हो गई है शाम और अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने ऐसी पैदल वॉकिंग पे। मम्मी पता नहीं हमें कहाँ ले जा रही है, मम्मी बोल रही थी वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है, तो चलो देखते हैं कितना अच्छा व्यू आता है और आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग घर से तैयार होकर आए थे पर मम्मी अभी खेत में थी यहाँ पर किसी के, तो वहीं से आ गई। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मी धो रही है अभी पाँव हैंडपम्प के पानी से। कंडारी की घास, इससे बहुत ज़्यादा घास लगती है। तो ये मम्मी और मैं जा रहे हैं घूमने। अभी हम लोग घूम रहे हैं और आधे रास्ते में, और यहाँ से बहुत सुंदर व्यू आ रहा है बहुत ज़्यादा। मैं सारी क्लिप्स ले रही हूँ आपके लिए जैसे कि आप देख सकते हैं। और ना यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है क्योंकि यहाँ पे ना आर्टिलरी की यूनिट आ रही है, इसी वजह से यहाँ पे गेट भी बंद है। आप देख सकते हो कि हमारे पहाड़ कितने सुंदर है, हमारा पिथौरागढ़ कितना सुंदर है, तभी तो इसको मिनी कश्मीर बोला जाता है। और यहाँ तो कुछ नहीं, और भी आगे चंडाक साइड तो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा। घूम चुके हैं और अभी वापस जा रहे हैं। और मैं आपको इस जगह का नाम बता दूँ, इसको कहते हैं डैकटिया। यहाँ पर अभी ना कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है और मैं ना पिथौरागढ़ में जाजर देवल में रहती हूँ, जाजर देवल ITPP के पास है। तो हम लोग यहीं पर आ रखे थे पैदल पैदल डैकटिया घूमने। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अपने गार्डन का टूर कराऊंगी, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ सब कुछ स्टार्टिंग से। तो ये
तो सबसे पहले ये है टमाटर, बहुत सारे टमाटर है जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हरे अभी पकेंगे ना ये मम्मी, ये पक भी रहे पेड़ पे, ये पक भी रहे, देखो बहुत सारे टमाटर है। और ये है बैगन, ये भी बहुत सारे हो रहे दिख रहे होंगे, टच नहीं कर सकते क्योंकि फिर ये खराब हो जाते हैं। और बहुत सारे फूल भी आ रहे हैं अभी, ये देखो ये है शिमला मिर्च, और कितने क्यूट क्यूट से हो रखे, छोटे छोटे से, अभी ये बड़े होंगे। हम यहीं से गार्डन से ही लेके जाते हैं मैक्सिमम सब्जी। ये है लौकी, अभी ये हुई नहीं है, ये छोटी छोटी सी है, देखो ये अभी होंगी बड़ी बड़ी, ये फ्लावर्स आ रहे हैं इसमें। है मूली, बहुत सारी मूली अंडरग्राउंड होती है जिन लोगों को नहीं पता। अदरक का पेड़ है, ये भी अंडरग्राउंड होता है, मुझे भी अभी पता चला है। बीन्स बहुत सारे रखे हैं, बहुत सारे वहाँ तक पेड़ है इसके। है मिर्च, और मिर्च अभी नहीं लगती, अभी बस फ्लावरिंग हो रही है, ये देखो। है पत्ता गोभी, पेड़ है कद्दू का, इसमें एक हुआ था बट वो ना ख़राब हुआ था। ये भी हमारा ही है, और ये ना मक्के है पूरे, और ये सोयाबीन है बीच बीच में, अभी नहीं होते ये तो बाद में होंगे। पुदीना, हमारे खीरे इस पेड़ से हो रखे हैं, जो हटाओ ना, ये देखो कहाँ है। ये सब ना बहुत ज़्यादा मेहनत की वजह से होता है, मेरी मम्मी ना दिन भर गार्डन में ही बैठी रहती है तभी ये सब पॉसिबल होता है। और यही हमें यहाँ पे ना, यही एडवांटेज है कि हमें यहाँ पे सब्जियाँ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि सब हमारे मतलब गार्डन में ही हो जाता है, और वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमें ही देना पड़ता है लोगों को। तो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं, और आज के ब्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।